हेलो स्वीट मॉर्निंग वन सेकेंड माय डियर। हम लोगों ने पीछे वाले क्लास में रफेज़ के बारे में डिस्कस करा था, जिसमें हमने आपको बताया था कि यदि हम रफेज़ हमारे फूड में नहीं होगा, फाइबर नहीं होगा, तो वो हमें वो फेसेस ठीक से नहीं होगा। फेस का मैं स्पेलिंग बताता हूँ बाबू, FACES जिसको मैंने बताया था, वो जिसको लैटरिंग कहते हैं ना, फेस मीन्स लैटरिंग होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये पता है, यदि हम फाइबर खाते हैं, रफेज़ यदि हमारे फूड में जाता है, तो हमारे वो जो हमारे स्टमक में जो फूड था उसको थ्रो आउट करने में हेल्प करता है, जो कि हम लोग आपको पीछे वाले वीडियो में बहुत ही डिटेल्स में बताए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, दिस इंश्योर्स द स्मूथ मूवमेंट ऑफ वेस्ट थ्रू द रेक्टम एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। और यही पता है क्या करता है, आपके पास यदि आप हमारे बॉडी में यदि फाइबर है, रफेज है, तो ये हमारे शरीर में जितने भी फूड है उसको, मतलब वेस्ट मटेरियल है उसको सॉफ्ट कर करके उसको सॉफ्ट कर देता है और उसको रेक्टम के पास पहुंचा देता है। रेक्टम बाबू उसे कहते हैं जहाँ पे जब वेस्ट मटेरियल आपके रेक्टम के पास जाएगा ना, तो आपको महसूस होगा, आपको एहसास होगा कि अब मुझे लैट्रिन जाना है, ठीक है। रेक्टम उस पार्ट को कहते हैं जब वहाँ पे वेस्ट मटेरियल जो अनपचा भोजन है जब वहाँ पे पहुँच जाती है, तो रेक्टम उस जगह को कहते हैं जहाँ पे अनपचा भोजन पहुँच जाती है, तो हमें लैट्रिन की एहसास होने लगती है, भाई मेरा मुझे लैट्रिन जाना है। तो उस जगह पे ये रफेज क्या करता है, फाइबर क्या करता है, फूड को पुश करके वहाँ तक पहुँचाने में हेल्प करता है, ठीक है। तब जा करके हम लोग बाहर जाते हैं, मतलब लैट्रिन जाते हैं, तो उसको थ्रो आउट करते हैं। और ये जो है हमें कॉन्स्टिपेशन से मदद दिलाता है। कॉन्स्टिपेशन मीन्स बाबू होता है कब्ज़। कब्ज़ मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल रह गया, आप लैट्रिन से आए, ठीक है, आपको फिर भी लग रहा है कि भाई पेट भरा हुआ है ना। आप लैट्रिन से होके आए, फिर भी आपको 2 घंटे तक बाद में भी लग रहा है कि आपका पेट भरा हुआ है, तो उसी को हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन बाबू ये होता है कि आप लैट्रिन हो के आ गए, फिर भी आपको लग रहा है कि पेट भरा हुआ है, आपको फिर भी मतलब पेट क्लियर नहीं हुआ है, तो उसको ही कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। लेकिन जिनका पेट यदि ठीक है, तो देखिए उन्हीं का पेट ठीक होगा जो अधिक मात्रा में फाइबर खाते हैं, जो फ्रूट खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, तो उनके शरीर में यदि रफेज की मात्रा अधिक है तो उनका पेट क्लियर रहेगा हमेशा। तो देखिए यदि आपका पेट क्लियर हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, तो उसका पहचानने का तरीका ये, आप लैट्रिन से हो के आए, ठीक है, आप लैट्रिन से हो क्या है और बस 5 मिनट में ही आपको भूख लग जाए, इसका मतलब है कि आपका पेट बहुत क्लियर था, जो कि आपको तुरंत में भूख लग गया, इसका मतलब है कि आपका पेट क्लियर था, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं था, ठीक है, याद रखिएगा। फाइबर इज प्रेजेंट इन होल ग्रेन फ्लावर्स। जितने भी चीज़ों का आटा हम लोग बनाते हैं, मक्का का आटा बनता है, गेहूँ का आटा बनता है, और भी चीज़ों का आटा बनता है, तो जितनी भी चीज़ों का हम आटा बनाते हैं उन सभी में रफेज़ पाई जाती है, ठीक है। चोकर के बारे में आपको बताया था ना, चोकर जिसको बोलते हैं, सभी चीज़ों में रफेज़ पाई जाती है, जितनी भी ग्रेन है, होल ग्रेन, होल पल्सेस, ग्रीन पीज, होल पल्सेस, जितनी भी दालें हैं, चना दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, जितनी भी दालें हैं उन सभी दालों में रफेज़ पाए जाते हैं। ग्रीन पी, हम लोग हरे हरे मटर जो खाते हैं उसमें भी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल और फ्रूट, इन सभी में भी रफेज़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, मीट ईटर्स ऑफन सफर फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन इफ देयर डाइट डजंट इंक्लूड एनफ वेजिटेबल। देखिए मीट ईटर, जो अभी मीट खाते हैं, मटन खाए चाहे चिकन खाए चाहे जो भी खाए, वो यदि रेगुलर खाते हैं ना, तो उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन मतलब सही से उनको लैट्रिन नहीं होगा, लैट्रिन हो जाएगा लेकिन फिर भी उनको लगेगा पेट भरा हुआ है, उनको भूख नहीं लगेगा, तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है कॉन्स्टिपेशन की, उनको जो मीट ईटर है, ठीक है, जो मीट ईटर है उनको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। और यदि वो रेगुलर मात्रा में बैलेंस में यदि वो क्या कर रहे हैं, रफेज़ भी खा रहे हैं, मीट भी खा रहे हैं, तो उनका स्टमक ठीक रहेगा, ठीक है। यदि वो बैलेंस अमाउंट में रफेज़ भी खा लिए, जैसे मॉर्निंग में ही, आफ्टरनून में ही, शाम में चिकन मटन खाएँ, तो मॉर्निंग में तो खाए थे ना रफेज़, आफ्टरनून में तो खाए थे रफेज़, शाम में चिकन खाए, उसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो मैनेज हो जाता है, उसके बाद वो बॉडी ठीक हो जाता है। तो ये था बाबू आपका रफेज़ का पॉइंट, जो कि हमने पूरे डिटेल्स में पढ़ा था कि उतना ही इंपॉर्टेंट रफेज़ का, जितना इंपॉर्टेंट वाटर का था, जितना इंपॉर्टेंट प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट का था, ठीक है। इन सभी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका बैलेंस्ड डाइट, जिसको बोलते हैं संतुलित आहार। डाइट मीन्स होता है आहार, आहार मतलब होता है हम जो खाते हैं, है ना, हमारा जो निवाला होता है, हम जो खाते हैं, रोटी बना के खाते हैं, बहुत चावल बना के खाते हैं, तो आहार मतलब निवाला जो हम लोग खाते हैं, ठीक है। बैलेंस मीन्स होता है संतुलित, ठीक है, संतुलित बैलेंस। आप लोग तराजू देखे होंगे तो बैलेंस बना रहता है ना, इस तरह भी बराबर में रहता है, तो बैलेंस है।
अब है डाइट इज़ द फूड वी जनरली ईट। डाइट आहार हम उसे कहते हैं जिसे हम साधारणतः प्रतिदिन खाते हैं। डाइट हम उसे कहते हैं जो साधारणतः हम खा जिसे हम साधारणतः खाते हैं। चाहे रोटी खाएं हमारा डाइट है, चावल खाएं हमारा डाइट है, जो चीज़ हम रेगुलर खाते हैं वही हमारा डाइट है। ओके, अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन द राइट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट हम उसे कहेंगे जब हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रचुर जितना हमें चाहिए उतनी मात्रा में यदि सारा चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, हमारे भोजन में वो सारा चीज़ यदि अवेलेबल है तो वो क्या कहलाएगा? बैलेंस्ड डाइट। क्या कहलाएगा? बैलेंस्ड डाइट। यदि वो सारा चीज़ अवेलेबल नहीं है उस फूड में तो हम उसे बैलेंस्ड डाइट नहीं कहेंगे, तब हो जाएगा इम्बैलेंस्ड। यदि सारा चीज़ सेम मात्रा में सेम क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो वो बैलेंस्ड डाइट, यदि नहीं है तो वो इम्बैलेंस्ड डाइट, अनबैलेंस्ड डाइट। अब देखते हैं, अ बैलेंस्ड डाइट प्रोवाइड्स द बॉडी विथ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड द वेरियस न्यूट्रिएंट्स इट नीड्स टू फंक्शन प्रॉपरली। बैलेंस्ड डाइट जो है बाबू हमारी बॉडी को मिलना चाहिए, प्रोवाइड्स द बॉडी विथ इट्स एनर्जी। जब बैलेंस डाइट हम लोग खाते हैं तो प्रचुर मात्रा मतलब इनफ क्वांटिटी में हमें एनर्जी भी मिलता है। यदि बैलेंस डाइट खाते हैं तो जितना हमें एनर्जी चाहिए उतना हमें एनर्जी भी मिल जाती है। ठीक है, जो हमारे शरीर को चाहिए और हमारे शरीर में जो भी फंक्शन होता रहता है वो उस फंक्शन को भी सही तरीके से प्रॉपरली ढंग से हो जाता है। ठीक है, ये था हमारा बैलेंस डाइट। अब देखते हैं, न्यूट्रिएंट्स कैन बी क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। ठीक है, अब हम जो न्यूट्रिएंट्स खाते हैं उसको हम थोड़ा फिर से देख लेते हैं। जैसे कि एनर्जी रिच, एनर्जी रिच, एनर्जी आपको किस में ज़्यादा मिलेगा? आपको एनर्जी फैट में मिलेगा और कार्बोहाइड्रेट में मिलेगा। मैंने कार्बोहाइड्रेट में कार्बोहाइड्रेट के बारे में पीछे बहुत आपको डिटेल में बताया था। कार्बोहाइड्रेट से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाता है ना, तुरंत में एनर्जी मिल जाता है। तो ये है आपका एनर्जी रिच, यानी कि वो है आपका फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। और नेक्स्ट है टिश्यू बिल्डिंग, हमारे शरीर में जो टिश्यू का निर्माण होता है, हमने बताया था सेल क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, तो टिश्यू का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है प्रोटीन से। यदि आप प्रोटीन नहीं खाएंगे तो आपके शरीर का जो है ना टिश्यू डेवलप नहीं होगा, टिश्यू का निर्माण नहीं होगा। जब टिश्यू निर्माण नहीं होगा तो आपका शरीर बहुत ही दुबला पतला 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 ही रह जाएगा। यदि आपके शरीर में बहुत ही टिश्यू डेवलप हो रहा है तो आपका शरीर एकदम ताकतवर लगेगा, लगेगा कि आप बाहुबली बन गए, है ना, बहुत ही ताकतवर बन गया। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव, जो कि हमारे शरीर को बचा के रखता है, वो है हमारा विटामिन एंड मिनरल्स। कौन है? विटामिन एंड मिनरल्स, ये क्या है हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब जो डाइट मस्ट इंक्लूड ऑल थ्री टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हमारा शरीर, हमारा जो भोजन होता है, हमारा जो आहार होता है, हमारा जो डाइट होता है, उन भोजन में आहार में उस डाइट में तीन चीज़ इम्पोर्टेंट है जो कि रहना ही चाहिए। ठीक है, ऑल्सो मतलब वो तीनों चीज़ एनर्जी रिच मटेरियल्स, टिश्यू बिल्डिंग मटेरियल्स और प्रोटेक्टिव मटेरियल्स, इन तीनों चीज़ों होना ही चाहिए। नेक्स्ट है ऑल्सो दो बोथ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड्स एनर्जी, है ना। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि फैट एंड कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमें एनर्जी देता है। इट इज़ बेटर टू ईट मोर ऑफ द लेटर ऑफ द लेटर, इट इज़ बेटर टू ईट मोर ऑफ द लेटर। दिस इज बिकॉज द बॉडी हैज़ टू वर्क मच हार्डर टू डाइजेस्ट फैट्स एंड फैट रिच डाइजेस्ट कैन कॉज सर्टेन इलनेस। देखिए, कहते हैं कि जो हमारे शरीर में एनर्जी देता है, जैसे कि हमारा फैट है और कार्बोहाइड्रेट, हमें जो है ना अधिक मात्रा में उसे क्या करना चाहिए, वो क्रश करना चाहिए उसको, अच्छी मात्रा में उसे। इट इज बेटर टू ईट, मतलब इन चीज़ों को हमें अच्छी तरह से खाना चाहिए, मतलब और अधिक मात्रा में लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर को बहुत काम करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है फैट को डाइजेस्ट करने में और फैट रिच चीज़ को डाइजेस्ट करने में। यानी कि आप फैटी चीज़ खाते हैं कुछ भी तो हमारा शरीर उसको पचाने में बहुत समय ले लेता है। ठीक है, हमारा शरीर उसको पचाने में बहुत समय ले लेता है। तो यदि इन चीज़ों की कमी हो जाए हमारे शरीर में तो हमारे शरीर में बीमारी हो सकती है, इलनेस जिसको बोलते हैं, कमजोरी हो जाता है। टू मच ऑफ फैट डिपोजिशन लीड टू ओबेसिटी। हाँ, मैंने ओबेसिटी के बारे में पीछे भी बताया था कि यदि हम अत्यधिक मात्रा में फैट खाते हैं तो हमारे शरीर में ओबेसिटी हो जाता है। ओबेसिटी मीन्स होता है मोटापा। ठीक है, अब वन वे ऑफ वर्किंग आउट अ बैलेंस डाइट इज टू प्रोवाइड फूड इंटू फोर कैटेगरीज एंड चूज देम फ्रॉम ईच
ग्रूव एवरी डे। तो कहते हैं कि बैलेंस डाइट को लेने के लिए एक एक आपको इसका चार ठो ग्रुप बनाया है, ठीक है। आज वो हम लोग आज बहुत बड़ा पॉइंट हो गया, हम लोग इस चारों ग्रुप को देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ओके बाय, सी यू, बाय।